फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को क्लास टेंथ फिजिक्स का एक्सरसाइज 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स का है जो कि आप लोग को बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और स्पेक्ट्रम दोनों का डेफिनेशन मिलता जुलता है, सिर्फ थोड़ा सा का अंतर होता है, जो आज आपको इस थ्योरी में आपको बता दूंगा कि कैसे याद करना है और कहाँ से कहाँ लिखेंगे तो इसका आंसर वर्ण विक्षेपण होगा और कहाँ से कहाँ लिखेंगे तो इसका स्पेक्ट्रम का आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है इस टाइप से लिखना है परीक्षाओं में कि जब प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो सूर्य की किरणें प्रिज्म से अपवर्तन के बाद, यानी जब सूर्य की प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो उसी को बोल रहा है कि प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात यानी बाद 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की किरणें क्या होती है? 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश को इन्हीं 7 वर्णों में विभक्त होने की, विभक्त मतलब बटना, विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ तक आप लिखते हैं तो आंसर जो होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा। और इसी में ये देखिए, इसका आपको फिगर बनाना होगा। ये देखिए, आपको फिगर से समझाने की कोशिश किया कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो है प्रिज्म है, ये प्रिज्म का फिगर है। ये सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरा, जैसे ही प्रिज्म से गुजरा तो ये विरल माध्यम हुआ और ये सघन माध्यम हुआ। तो प्रकाश की किरणें का घटना होती है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो यहाँ से इसका परावर्तन चेंजिंग हुआ, उसका उसका जो पथ था, रास्ता चेंजिंग हो जाता है। और विभक्त होने के बाद जैसे प्रिज्म से बाहर निकलती है, यहाँ पर मैंने एक रंगीन पट्टी लगा दिया है जिस पे देखा तो ये 7 वर्णों में आ रही है, जिसका नाम VIBGIOR है ना, जिसका हम डिटेल से एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इन 7 वर्णों को याद करना है। तो ये 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। इन्हीं 7 वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगर इसी आप क्वेश्चंस में थोड़ा सा ये लाइन जोड़ देंगे, थोड़ा सा ये वाला लाइन जोड़ देंगे कि जब ये 7 किरणें श्वेत पट्टी पर पड़ती है तो पट्टी रंगीन हो जाता है। ये वाला पट्टी क्या होता है दोस्तों? रंगीन हो जाता है। रंगीन प्रकाश की इसी पट्टी को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि इसको भी याद करना आसान हो गया। परीक्षा में अगर आपको पूछता है स्पेक्ट्रम क्या है या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, दोनों का आंसर सेम है ना, दोनों का मिलता जुलता आंसर है। आपको बस एक लाइन इसमें जोड़ देना है कि जब प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश की प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद पट्टी पर पड़ती है तो ये पट्टी रंगीन हो जाती है। प्रकाश की इसी रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम की घटना में प्रकाश की किरणें 7 वर्णों में विभक्त होती है। ये फिगर जरूर बनाना होगा दोस्तों, फिगर बनाने से अच्छा नंबर्स मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है परीक्षा में, ये 3 नंबर का सवाल पूछता है कि मानव नेत्र जो है, ह्यूमन आई, और फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है, में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर डिफिनेशन बताना रहता है कि इनमें क्या अंतर है ना। मानव नेत्र जो होता है, आँख में जो नेत्र हो, मानव नेत्र है, और फोटोग्राफिक में क्या अंतर है? तो देखिए, सबसे पहले लिखने से पहले ये लिख लिया जाता है कि मानव नेत्र और फोटोग्राफिक कैमरा में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ ह्यूमन आई और एक तरफ फोटोग्राफिक कैमरा है ना। तो आइए देखिए, मानव नेत्र में जो बना प्रतिबिंब होता है अस्थायी होता है ना दोस्तों। अगर आप अभी घड़ी पर देख रहे हैं तो आपकी आंख में घड़ी का चित्र बन रहा है, लेकिन कुछ देर बाद अगर आप मोबाइल पर देखने लगेंगे तो आपकी आंखों में मोबाइल का फिगर बन जाएगा, जो कि अस्थायी होता है, हरदम नहीं सेट होता है। जिधर आप देखेंगे आपके नेत्र में वही उसी का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसके विपरीत होता है दोस्तों कि फोटोग्राफिक कैमरा में बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है। जैसे कैमरा में आप किसी व्यक्ति का फोटो खींचते हैं तो उस व्यक्ति का फोटो उस पर सेफ हो जाता है ना, वो हटता नहीं है। लेकिन ऐसा हमारी आंखों में नहीं होता है। हमारी आंख जिसको देखेगी, जब तक देखेगी, उसी वक्त तक उसमें उसका प्रतिबिंब रहता है। और अगर फिर दूसरे तरफ देखने लगेगी आंख तो उसमें दूसरे व्यक्ति का फिगर आ जाता है। तो ये पहला अंतर हुआ, फोटोग्राफिक कैमरा में बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है और मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है। आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाई बढ़ाई जा सकती है ना। हमारी आंखों के पास ऐसी क्षमता है कि फोकस दूरी अपनी घटा बढ़ा सकते हैं। दूर की वस्तु देखने के लिए आंखों की फोकस दूरी को कुछ कर सकते हैं और निकट की वस्तु को देखने के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन
जो कैमरा होता है उसकी फोकस दूरी को नहीं घटाया पाया जा सकता है ना दोस्तों। इनमें लेंसों की फोकस दूरी नियत होती है, जैसे उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो नियत ही रहेगा, चाहे अवतल लेंस है तो उसका भी फोकस दूरी नियत रहेगा। और जो तीसरा है दोस्तों कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नियत होती है ना, हमारे आंखों में जो लेंस है और रेटिना है उनके बीच की दूरी नियत होती है। अगर ये दूरी नियत ना होती तो हमें आंखों में किसी न किसी दोष का उत्पन्न हो जाता है ना दोस्तों, तो इसलिए ये दूरी जो होती है नियत है। लेकिन ऐसा बात फोटोग्राफिक कैमरा में नहीं है, इनमें लेंसों की दूरी घटाई बढ़ाई जा सकती है ना दोस्तों। लेंस की देखे ना आप लोग, कैमरा में आगे की ओर या पीछे की ओर लेंस आता जाता है ना, फोटो जो खींचने वाला होता है वो लेंसों की फोकस दूरी को, लेंसों को आगे या पीछे कर लेता है। तो लेंस फोटोग्राफिक कैमरा में लेंस आगे पीछे हो जा सकते हैं, लेकिन मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो आगे पीछे नहीं होता है। ये तीन पॉइंट्स हैं, एक दो बार आप इसको अध्ययन करते हैं तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPI है। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।